टिमी जरा बाहर जाके देखी कौन है। मम्मा आप देख रहे हो ना मैं बिजी हूँ। टिमी ए अपना ना लेजी पर ना बाहर रखिया कर, जिस दिन मैं मर जावांगी ना तेनू चौथे दिन मेरी याद आएगी फिर। जा जाके दरवाजा खोल। लता कुठे होतीस? अरे सासूबाई टपकली, देव पावला बाई सुटले बाई। हाँ हाँ मी रात्री पुरणपोली करणार। अच्छा चल मैं बाद में बात करती, काम पे पहुंच गई। जय महाराष्ट्र। शांति किन्नी छुट्टियां तू होर करेंगी? हाय बड़ी सोनी लगती पई आज की अगर शिवाजी जयंती। नहीं मेरी सासूबाई ना। अच्छा शिवाजी जयंती का कीर्तन रखे होना है। नहीं नहीं मेरी सासूबाई ऑफ हो गई। ऑफ हो गई मतलब तेरी सास कोई ट्यूबलाइट थोड़ी है जेड़ी ऑफ हो गई है? ओहो आंटी तुम कितना भोला है रे। अरे मेरी सासूबाई टपक ली। ए टपक ली? अरे वही तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लता को बता रही थी कि वो मर गई और मैं रात को पूरन पोली बनाएगी। हाय मैं मर गई। अरे मैंने कल ट्वीट भी किया था, तुमने देखा नहीं क्या? ये देखो दिव्यांका त्रिपाठी ने तो खास करके मुझको फोन करके कांग्रेचुलेशंस भी बोला। ट्वीट कहता है सासू भाई ऑफ शांति बेखौफ। राइम भी कितना करता है ना। जब मैं चांड मारांगी ना तेरी सारी हड्डियां राइम करंगियां। इतने तेरी सास मर गई है, सास माँ वर्गी होंदी है। तेरी माँ मर गई तो तू पूड़ियां तलनी पई है। तेरा सौरा मरा हुए, जेठ मरा हुए, दरानी या जठानी मरे हुए ना तो मैं चार बारी सोचांगी की हो जी गल्ला कर रही है। जिस दिन तू सास बन जाएगी ना उस दिन तेनू पता चलेगी सास की कीमत। आंटी तुम साइंटी का एक हो रही है इतना? क्या तुम्हारी सास नहीं थी? तुम कभी बहू नहीं थी? जब वो मरी तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटा या नहीं बताओ सांग। हाँ ठीक है चल जाके काम कर के मुझे गल्ला च पै गई है तू। पकड़ी गई ना तुम। सुन वैसे डेथ हुई किस तरह? अरे वो तो बड़ी मस्त स्टोरी है, वो मैंने तो इंस्टा पे भी डाला था। वो क्या है ना कि मैं अपनी सासू भाई के साथ बैठ के अपना फेवरेट सीरियल माझे पति फक्त माझे देख रही थी। मेरी सासू भाई तो बेड पे बैठी थी क्योंकि उससे तो ज़्यादा चला नहीं जाता बुड्ढी जो हुई। तो क्या होता है ना उसके अंदर ना रोहित सपना के पास वापस आ जाता है। तो यही बात मैंने अपनी सासू भाई को जाकर बताई तो आई शपथ इतनी बड़ी उसने स्माइल दी ना। लेकिन जब सीरियल खत्म होता है ना तो मैंने जाकर सासू भाई को फटाफट बोली, मैंने कहा रोहित को रीटा से छुटकारा मिल गया और सपना के पास वापस आ गया। फिर लेकिन इसके बाद कुछ वो बोली नहीं। मैंने उसको ऐसे हिलाया जोर जोर की हिलाया और उसकी आंखें खुलीच की खुलीच रह गई इतनी बड़ी। मंजे ऑफ हो गई। अगा भाई आंटी तुम काई को इतना दुख मना रही है? मेरी सासू भाई अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते इच तो गई। मैंने तो उसके साथ सेल्फी भी लिया था जाते हुए। अच्छा चलो अब ये बताओ तुम क्या खाओगी आज? मैं तुम्हारे मतलब का खाना बनाएगी, कांदा पोहे नहीं बनाएगी। चल ठीक है फिर, तू इन्नी खुश हगी है ते इंज कर, आज पराठे बना दे घी वाले ते रब वास्ते ओदे च कड़ी पत्ता ना पाई। हो जा जा बना। इसी बात पे एक सेल्फी तो बनती है। सासू गॉन पार्टी ऑन। अच्छा चलो ये बताओ तुम कैसे मरना चाहोगी? खसमारू खानी राब ना करे मैं मरा, जा जाके काम कर। सरला भैन जी तुसी की कर दो ए मरना चाहोगे? नरा मरन तुहाडे दुश्मन। दरअसल गल ए हैगी है शांति दी सास मर गई है ते ओ ना अपना फेवरेट सीरियल देख दे वो मरी है। नहीं भैन जी गल ए हैगी है जिहड़ी डेथ होनी चाहिए ना क्लासी तरीके नाल होनी चाहिए, कोई चीप तरीका नहीं। नहीं ते तुहाडी या मेरी नूं नूं ना चार गल्लां करन दा मौका मिल जाएगा। जिवें जद मेरी सस मरी सी भैन जी बवासीर नाल, असीं सितारिये तक हसते रहे सी। भैन जी वैसे जद मैं मरा ना मैं चाहनी हाँ कि मैं ना किट्टी दा हाउस जितो ए मरा। सोचो नंबर आए 2121 ते मैं बोला यस। फिर पावे मैनू हार्ट अटैक भी हो जाए ना कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और की